साथियों, हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और पोल्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है अंडवाहिनी के भाग या द पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट। मैं आपको बता दूं, जो ओविडक्ट होती है अंडवाहिनी, ये फीमेल यानी कि जो मादा मुर्गियां होती है उनके शरीर में होती है। और किस प्रकार से यहाँ पर जो अंडवाहिनी होती है ओविडक्ट, उसमें जो परिपक्व अंडाणु जो होते हैं जिसको हम लोग ओवा कहते हैं, वो अंडाणु जब उसमें उस रास्ते से गुजरते हैं तो इसमें कितने कितने अलग अलग पार्ट्स हैं। और अंडे के अंदर हमने देखा है कि अंडे में छिलका होता है जिसको शेल कहते हैं, झिल्ली होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, अंडे के अंदर जो पानी भरा होता है उसको श्वेतक या व्हाइट कहते हैं जिसको एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, अंडे के अंदर एक पीला सा जो योक या जो पीतक पाया जाता है, गोला पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं अंडे के, ये सारे अंडे के जो भाग है, ये मुर्गी के शरीर में ये कहाँ कहाँ इनका निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, और इनका जब फॉर्मेशन होता है तो वो ओविडक्ट या अंडवाहिनी के कौन कौन से हिस्सों में पाया जाता है, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट या मुर्गी के अंदर अंडवाहिनी के जो भाग होते हैं, तो मुर्गी की अंडवाहिनी को, ओविडक्ट को, यहाँ मोटे तौर पर पांच हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है मेगनम, तीसरा होता है इस्थमस, चौथा होता है यूटेरस और पांचवा होता है वेजाइना। यहाँ पर बात करेंगे इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम जो होता है वो कीप के या फनल के शेप में, आपने शायद कीप देखी होगी जो कई बार लिक्विड को भरने के लिए, पानी को भरने के लिए जो फनल या कीप का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फनल शेप की जो होती है, इस फनल शेप की जो ट्यूब होती है शुरुआत वाली, इसको हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं, फनल भी कहते हैं। और इस इनफंडिबुलम के दो महत्वपूर्ण आकार है, एक तो ये कि यहाँ पर रिसीविंग ऑफ द योक यानी कि ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर जो ओवा या जो अंडाणु परिपक्व हुए हैं उनको ग्रहण करने का जो कार्य होता है वो इनफंडिबुलम का ही होता है। और कई बार परीक्षा में आता है कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वो कुक्कट के शरीर में कहाँ संपन्न होती है, तो कुक्कट के शरीर में निषेचन की क्रिया भी इनफंडिबुलम या फनल के अंदर ही संपन्न होती है। तो निषेचन भी यहीं पर होना है और अंडाशय से जो ओवा निकल करके आते हैं, योक निकल करके आता है, उसको ग्रहण करने का कार्य भी किसी का है, तो इनफंडिबुलम का ही कार्य होता है। जैसे ही इनफंडिबुलम से योक आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर मैग्नम वाला जो पार्ट होता है, वो अगला जो पार्ट होता है अंडवाहिनी का सेकंड पार्ट, वो मैग्नम कहलाता है। और मैग्नम के अंदर अंडे का जो श्वेतक भरा होता है, अंडे का जो पानी होता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो श्वेतक का जो निर्माण होता है, श्वेतक को हम लोग व्हाइट भी कहते हैं, उसका निर्माण मैग्नम में होता है। और उसके पश्चात बात करें कि इस्थमस में क्या होता है, तो अंडे के अंदर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, उस झिल्ली का जो निर्माण होता है वो इस्थमस में होता है। और मेम्ब्रेन को हम लोग कई बार कला या झिल्ली भी कहते हैं, और अंडे के छिलके के ठीक नीचे वो झिल्ली पाई जाती है। और अंडे का जो छिलका होता है जिसको शेल कहते हैं, जो कठोर बाहर का जो आवरण होता है, उसका निर्माण यूटेरस या गर्भाशय में होता है। और यूटेरस में जब छिलके का निर्माण होता है तो सबसे लंबे समय तक अंडा वहीं पर रुका रहता है। और परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि अंडवाहिनी के जो अलग अलग भाग हैं इनका सही क्रम बताइए, तो ये सही सिक्वेंस आपको फॉलो करना है। और ऐसा पूछा जाता है कि अंडवाहिनी के अंदर, ओविडक्ट के अंदर अंडे को सबसे अधिक समय तक कहाँ रोका जाता है, या अंडा जो है सबसे लंबे समय तक कहाँ पर रुक करके रहता है, तो वो यूटेरस में लगभग 24 घंटे तक अंडा जो है वो रुका रहता है। और वहीं पर शेल यानी कि छिलके का निर्माण होता है। आपने शायद पढ़ा होगा कि जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम की जो सेल्स होती है जो कैल्शियम का स्त्राव करती है, और छिलका जो है वो अंडे के चारों ओर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर यूटेरस की बात करेंगे। और लास्ट में आता है वेजाइना यानी कि योनि, और जहाँ से अंडा शरीर से बाहर निकलता है उस पार्ट को वेंट कहते हैं। तो जब तक कि अंडा शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, अंडा बनने के पश्चात उसको होल्ड करके रखना, उसको पकड़े रखना, और शरीर से बाहर निकलने तक अंडा कहाँ रुकता है, तो वो वेजाइना में रुकता है। और वो होल्ड करने का जो कार्य है वो वेजाइना का कार्य है। इस प्रकार से ये मुर्गी के शरीर के अंडवाहिनी के अलग अलग पार्ट थे। तो पांचों पार्ट का जो सही सिक्वेंस है, अगर ऐसा पूछ जाए आपसे, तो आपको याद करना है कि इनफंडिबुलम के लिए आई, मैग्नस के लिए एम, इस्थमस के लिए फिर से आई, यूटेरस के लिए यू, और वेजाइना का वी। तो आपको बोलना है आई एम आई यू वी। आई एम यानी कि मैं खुद स्वयं, आई मतलब इंडिया, मैं इंडिया का क्या हूँ, यू वी यानी कि युवा हूँ, मैं इंडिया का युवा हूँ, ऐसा आपको याद करना है। आई एम आई यू वी, आई एम यानी कि मैं,
और इंडिया का युवा हो तो युवा क्यों भाई साहब, बोल देना मैं अंडा खा के युवा बना हो, तो जो युवा लोग होते हैं वो अंडे खाते हैं, वैसे भी कहा है संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, तो अंडे हमारे आहार में होना चाहिए, बड़े प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं अंडे। तो ये अंडवाहिनी के पार्ट्स याद करने का तरीका है, आपको बोलना है IMIUV। उसके बाद बात करेंगे कि अंडे के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें छिलका भी आता है जिसको हम शेल कहते हैं, झिल्ली आती है मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पानी होता है उसको वाइट कहते हैं, श्वेतक कहते हैं, और जो योग होता है जिसको पीतक कहते हैं, ये कहां कहां पर इनका निर्माण होता है, कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो एम है ना, एम का मतलब है मैग्नस, इस एम को यदि मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा डब्ल्यू, W4 क्या होता है व्हाइट, तो व्हाइट जो होता है श्वेतक यानी जो पानी होता है अंडे के अंदर वो यहाँ मैग्नस में बनता है, इसको अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस्थमस, तो पानी जो होता है उस पानी के पश्चात वो इस्थमस की बात कर रहा है, तो जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन वो कहाँ बनती है, वो यहाँ पर बनती है इस्थमस में बनती है। और उसके बाद में बात करेंगे छिलका, तो छिलका जो होता है वो यूटेरस में बनता है, यूटेरस में अंडे के छिलके का निर्माण होता है। तो जो यू है ना, इस यू को आपको नीचे से भी लिखना है और ऊपर से भी लिखना है, तो अगर यू को नीचे से और ऊपर से अगर अपन बना देते हैं तो एक अंडा बन जाता है, तो अंडे को जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, छिलका दिखाई देता है। तो जो यूटेरस जो है ना उसमें छिलका बना हुआ है, एम फॉर मैग्नस, उसको अपन ने उल्टा कर दिया तो डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू फॉर व्हाइट, यानी कि डब्ल्यू फॉर व्हाइट भी होता है, डब्ल्यू फॉर वाटर भी होता है, तो अंडे में जो पानी भरा होता है जिसको श्वेतक कहते हैं और वो उसमें एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है उसका निर्माण यहाँ होता है, और इन दोनों के बीच में यानी पानी और छिलके के बीच में जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन उसका निर्माण इस्थमस में होता है। इस प्रकार से आप अंडे के अलग अलग पार्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ बनते हैं ये आपको याद करना है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि अगर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि अंडे में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले अंडे के अंदर निर्माण होता है योक का, योक का निर्माण होगा, योक के पश्चात अंडे के आसपास जो पानी भरा होता है अंडे के अंदर उस पानी का निर्माण होता है, फिर उसको कवर करने के लिए उसके आसपास एक मेम्ब्रेन झिल्ली और झिल्ली के चारों ओर फिर एक छिलका पाया जाता है। इस प्रकार से अंडे के अलग अलग अगर भागों के बारे में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि अंडे में छिलके का निर्माण जो होता है वो सबसे बाद में होता है, उसके पहले छिलके के पहले कौन बन जाती है मेम्ब्रेन झिल्ली बन जाती है, झिल्ली के पहले एल्बुमिन यानी कि पानी बनता है और उसके पहले योक आ जाता है। इस प्रकार से अंडे में सबसे बाहर की जो चीज़ होती है जिसको हम छिलका कहते हैं आवरण कहते हैं वो सबसे बाद में बनता है और सेंटर का जो योक होता है वो सबसे पहले बनता है। तो अगर बनने की बात करेंगे तो पहले योक बनेगा, फिर पानी जो है वो वाइट जिसको बन कहते हैं वो पानी बनेगा, फिर मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली बनेगी और लास्ट में शेल यानी कि छिलका बनेगा। तो इस प्रकार से अंडे से संबंधित ये कुछ अलग अलग जो पार्ट्स थे कि वो अंडे के अलग अलग भाग अंडवाहिनी में कहाँ कहाँ बनते हैं और अंडवाहिनी के कौन कौन से भाग होते हैं ये मैंने आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ओविडक्ट या अंडवाहिनी के भाग और अंडे के अलग अलग जो भाग होते हैं ये कहाँ बनते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के और भी जो वीडियो हैं और भी जो एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं ये आप अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारा जो चैनल है एपिकल एग्री अकेडमी का यूट्यूब पर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो लाइक्स हैं वो बढ़ते रहना चाहिए। आपकी जो भी समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आप वहां पर फोन लगा करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।